हरे कृष्णा राधे राधे। आज हम आपको कार्तिक कृष्णा एकादशी व्रत कथा सुनाने वाले हैं। आप सबसे निवेदन है कि कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से दोष लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्णा एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। प्रसंगवश इसका महात्म्य मैं तुमसे सुनाता हूँ। प्राचीन काल में मुचकंद नामक एक राजा राज्य करता था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण के साथ भी मित्रता थी। यह राजा बड़ा धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था, साथ ही न्याय पूर्वक राज्य भी करता था। उस राजा के एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन अपने ससुर के घर आए और उन्हीं दिनों जल्द ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुई कि मेरे पति तो बहुत दुर्लभ है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से बोला कि अब क्या करना चाहिए, मैं तो किसी भी प्रकार से भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण भी बच जाए, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गो आदि तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो क्या ही कहना है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य ही व्रत करूँगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत किया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी था। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर को प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रतन और वैदुर मणि जटित स्वर्ण के खम्भों पर निर्मित अनेक प्रकार की सप्तिक मणि से सुशोभित भवन में सिंहासन पर आरूढ़ श्वेत चट और चंवर, मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहु में कपूर, विभीषण, गंधर्व और अप्सराओं से ऐसे सुशोभित होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कहा कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया, शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल क्षेम पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकंद और उसकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से हैं, नगर में भी सब प्रकार कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न किसी ने देखा है न सुना है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी का व्रत करने से यह नगर मुझे प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, स्थिर होने का कोई उपाय हो तो कहे, मैं अवश्यमेव वह युक्ति करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझे। शोभन कहने लगा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहे तो यह स्थिर हो सकता है। यह सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से संपूर्ण वृतांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष में देखी है या स्वप्न की कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री,
मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजयी न हो। ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार यह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझको वहाँ पर ले चलो, पतिदेव के दर्शन की मेरी तीव्र लालसा है। मैं अपने किए पुण्य से उस नगर को स्थिर कर दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा वह बात सुनकर चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों से उज्जवल तिलक द्वारा चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते हुए देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाई तरफ बिठाया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को सुनिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इसके पश्चात चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों व वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। शोभन भी आनंद से रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी के महात्म्य को कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फलदायी है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनके समस्त पाप दूर होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।